आजकल अधिकतर लोग थायराइड जैसी बीमारी से ग्रसित है। इसमें महिलाएं ही शामिल है। यह बीमारी मानव शरीर में पाए जाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्लैंड गर्दन के श्वास नली के ऊपर के साइड में पीछे से रहती है और उसका शेप जो है बटरफ्लाई यानी कि तितली के आकार जैसा होता है। और यह ग्लैंड थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है जो शरीर के एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन, अन्य हार्मोन्स के होने वाले संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी को कंट्रोल में रखता है। सो आपको समझ में आया ही होगा कि आज मैं आपको किस बात पे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो मैं थायराइड का आपका डायग्नोस नहीं या फिर ट्रीटमेंट नहीं बताने वाली हूँ, मैं थायराइड पे बताने वाली हूँ इसके सिम्टम्स क्या हैं। क्या होते हैं थायराइड के सिम्टम्स, जाने आप अपने घर पे ही जान सकते हैं। और ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं लेकिन हम इसे कॉमन समझ के ही निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, जो कि बाद में थायराइड जैसे गंभीर बीमारी के रूप में बदल जाती है। सो चलते हैं कि अपने सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के में जानते हैं। सो पहला लक्षण है कि लक्षण में जिस महिला या व्यक्ति को थायराइड होता है उनके शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम्स दिखने को मिलते हैं। अधिकतर मामलों में थायराइड के स्टार्टिंग सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि गर्दन में आने वाले स्मॉल नॉट यानी कि छोटे गांठ को अक्सर सामान्य समझ लिया जाता है। बट एक ही कारण नहीं है, इसके अलावा शरीर में और भी कई लक्षण होते हैं जिसे और हम नज़रअंदाज करते हैं और यही प्रॉब्लम फिर गंभीर रूप में बदल जाते हैं। सो आज मैं स्त्रियों में होने वाले उन लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जिसे हम सामान्य बात समझकर छोड़ देते हैं और बाद में यही एक गंभीर समस्या पैदा करती है। तो आइए चलिए हम बात करेंगे उन सिम्टम्स के बारे में, उन लक्षणों के बारे में जो कि थायराइड में दिखते हैं और हम उनको कॉमन समझ के नज़रअंदाज करते हैं। सो पहला कारण है थकान महसूस होना। अमूमन हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम में थायरोक्सिन का प्रभाव पड़ता है जिस कारण हमारा जो खाना है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे उचित ऊर्जा हमारी बॉडी को नहीं मिलती जिस वजह की हम थकावट महसूस करते हैं। हालाँकि थकावट के और भी कई वजह हो सकती हैं जैसे कि एनीमिया में लोह की कमी, ये भी एक कारण हो सकता है लेकिन ये थायराइड का भी कारण हो सकता है। दूसरा है वजन का बढ़ना। अगर एकदम से आपका वेट गेन हो रहा है, फास्टली आपका वेट गेन हो रहा है जैसे कि वन मंथ में आपका 10 या 20 केजी वेट बढ़ रहा है, ये बहुत ही मतलब सीरियस है दोस्तों। वैसे तो वजन का बढ़ना और भी कई कारण हो सकते हैं लेकिन अगर आपका वेट बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है तो आप ये थायराइड का लक्षण भी आप इसे समझ सकते हैं। इरेगुलर दूसरे थर्ड वन इज इरेगुलर ऑफ पीरियड की अनियमितता। आजकल के खराब खान पान और बदलते लाइफस्टाइल के कारण पीरियड में भी अनियमितता यानी कि इरेगुलरिटी आई है। सो महिलाओं से मेरी गुजारिश है कि उनको अपना पीरियड का इरेगुलरिटी को एक हल्के में नहीं लेना है। किसी बड़ी बीमारी का ये बहुत बड़ा संकेत होता है क्योंकि पीरियड इरेगुलरिटी आना मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होना। आपका जो पीरियड है इट शुड भी मतलब 28 डे के बाद ही आपको कंटिन्यू आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो आपको समझना है कि ये थायराइड का लक्षण हो सकता है या फिर दूसरा डिसीज है हार्मोनल डिसीज PCOD जो भी महिलाओं में बहुत ही कॉमन है। सो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। और थायराइड में पीरियड का जो इंटरवल है वो बढ़ जाता है और जो पहले दिन में जो पहले महीने में जो 28 के दिन में आते हैं उसके बाद में 2 महीने या 3 महीने के बाद पीरियड आने लगता है। सो पीरियड में इरेगुलरिटी ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक लक्षण हो सकता है थायराइड का। डिप्रेशन। थायराइड में थायरोक्सिन की मात्रा एकदम से रिलीज होती है, उसमें साथ ही साथ जो डिप्रेशन को बढ़ावा देने वाले जो हार्मोन्स है उसमें भी बढ़ावट होती है, उसी वजह से हमको डिप्रेशन भी फील होता है। और डिप्रेशन के साथ साथ मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ाहट होना, ऐसे जो लक्षण है डिप्रेशन के वो दिखने लग जाते हैं। छाती में दर्द होना। एक्चुअली होता क्या है, अपना थायराइड में पल्स रेट बढ़ती है उसी कारण छाती में दर्द होता है, अदरवाइज छाती में दर्द नहीं होता है उतना। और मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, खाने का मन नहीं करना। देखिए थायराइड दो तरह के होते हैं, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। सो हाइपरथायरॉइडिज्म में मेटाबॉलिज्म जो रेट है एकदम से फास्ट होता है, सो पेशेंट का वेट जो है जल्दी जल्दी कम होता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म में उसका उलट में होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम होता है। सो क्या होगा कि पेशेंट जो भी खाता है एकदम स्लो 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 डाउन होगा और जो भी खाना है उसका ब्रेकडाउन अच्छे से नहीं होगा और रिजल्टेंट उसका वेट बढ़ने लग जाएगा।
सो अगर उसका वेट बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली वेट बढ़ रहा है, वो एबनॉर्मलिटी तरीके से उसका वेट बढ़ता है, एक महीने में 5 या 6 किलो भी बढ़ सकता है. सो उसको लगता है कि मैं जैसे ही खाना खाऊंगी तो मेरा वेट बढ़ने लगेगा. सो वो खाना अवॉइड करना चाहती है, खाती नहीं. लेकिन इस टाइम आपको डाइट के बारे में मैं बाद में बात करूँगी, ऐसा नहीं करना है. लेकिन आपको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों. थायरॉयडिज्म में एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसमें आपको खाने का भरपूर ध्यान रखना है और ये ट्रीट हो सकता है, कम्प्लीटली कम हो सकता है अगर आप थायराइड मतलब लाइफस्टाइल अच्छे से चेंज करोगे, डाइट प्लान अच्छे से, क्योंकि ये डिसीज जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या अदर कुछ डिसऑर्डर नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से है. अभी जो सिटिंग पोजीशन ज़्यादा है, एक्सरसाइज की मात्रा कम है, और जैसे खाने में जो भी है फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, उसी वजह से ये सब सिम्टम्स हमको देखने को मिलते. सो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स या फिर ये सारे जो सिम्टम्स मैंने अभी आपसे डिस्कस किए वो अगर सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं तो आप इसे हल्के में मत लीजिए. आप डॉक्टर के पास जाके थायराइड की चेक कीजिए, थायराइड की टेस्ट कीजिए, या पर आप घर पे भी थायराइड चेक कर सकते हैं. उस पर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में राइट नोट डाउन कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी. और हाँ, अगर आपको थायराइड का जो डाइट प्लान है, मेन आपको क्या किन किन चीज़ों से दूर रहना है, क्या चीज़, बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन भरा पड़ा है थायरॉयडिज्म में. सो आपको प्रॉपर अगर डाइट अगर आप लेते हो तो, और प्रॉपर अपने लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपका जो थायरॉयडिज्म है वो कंट्रोल में आ सकता है. और हाँ, अपने ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उस पर आप फोकस जरूर कीजिएगा. और जैसे ही कुछ सिम्टम्स आपको लगते हैं कि इसमें मुझे थायरॉयड की चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो आप डेफिनेटली यू शुड टेस्ट इट. सो आप थायरॉयड की टेस्ट कीजिए और सिम्टम्स में जो भी हाइपर या हाइपो निकलता है उस हिसाब से आप अपने ट्रीटमेंट कीजिए. लेकिन साथ ही साथ आपको उसको डाइट का भी ख्याल रखना है, अपने एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है. सो ये था आज का वीडियो, एकदम छोटा सा वीडियो था मेरा अपना सिम्टम्स ऑफ थायरॉयडिज्म पे. अगर आप, उम्मीद करती हो आपको अच्छा लगेगा. अगर इससे भी और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद.